वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेंटेंस और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस करा है। वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंड वो कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, बहुत सारे वर्ड मिलके सेंटेंस बनता है, यूजली कॉन्टेनिंग अ वर्ब। सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब होती है दैट एक्सप्रेसेस अ थॉट, या तो ये किसी भी थॉट को बताता है इन द फॉर्म ऑफ, जिस फॉर्म में बताता है किसी भी थॉट को, वो फॉर्म होती है या तो अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन और एक्सक्लेमेशन। मींस सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसमें हमेशा एक वर्ब होती है और वो एक स्टेटमेंट को बताता है, और वो स्टेटमेंट कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, एंड इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। और सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो ये तो सेंटेंस की डेफिनेशन हुई। और अगर इसके टाइप्स की बात हम करें तो ये 5 टाइप्स का होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये तो सेंटेंस के टाइप थे। अब इसमें जो इसका फर्स्ट टाइप है जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, उसको देखते हैं। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं इन्हें असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। फर्दर जो असर्टिव सेंटेंस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एफर्मेटिव जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन्हें असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, और ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में देखते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में, मेक अ स्टेटमेंट इट टेल्स अबाउट समथिंग। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये एक स्टेटमेंट को बताते हैं, टेल्स अबाउट समथिंग एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और जब ये एंड होते हैं इनके एंड में फुल स्टॉप लगता है। और ये जिस भी स्टेटमेंट को बताते हैं, इट कुड बी अ थॉट, ओपिनियन और अ फैक्ट, ये किसी भी थॉट, ओपिनियन या किसी फैक्ट को बताते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि ही पुट द कीज ऑन द टेबल। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट था कि ही पुट द कीज ऑन द टेबल, उसने कीज को जो है टेबल पर रखा। सेकेंड एग्जाम्पल है द स्काई इज ब्लू। तो ये फैक्ट बता रहा है इस सेंटेंस में, एक फैक्ट है कि द स्काई इज ब्लू। तो ये एक फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि असर्टिव सेंटेंस फर्दर एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डिवाइड होता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मोहन इज लर्निंग इंग्लिश, मोहन इंग्लिश सीख रहा है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में इसका एफर्मेटिव सेंटेंस है जो पॉजिटिव वे में आया है। जब इसी का ही नेगेटिव सेंटेंस बनता है तब इसमें नॉट ऐड हो जाएगा, जैसे कि मोहन इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, मतलब कि मोहन इंग्लिश नहीं सीख रहा है। पहले सेंटेंस में मोहन इज लर्निंग इंग्लिश ये एक पॉजिटिव सेंटेंस था, नेक्स्ट में मोहन इज नॉट जो हमने लगा दिया है, तो मोहन इज नॉट लर्निंग इंग्लिश ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, आई लाइक आइसक्रीम मीन्स मुझे आइसक्रीम पसंद है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब ये नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो इसमें नॉट लग जाएगा, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, यहाँ पर नॉट ऐड हो गया है। तब ये पहले तो ये पॉजिटिव सेंटेंस था, उसके बाद में नॉट ऐड होने के बाद ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो अभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमने ये समझा है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये इसके एग्जांपल थे। इसके बाद हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी डिस्कस करते हैं। तो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं दे आस्क समथिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा कुछ कोई क्वेश्चन पूछते हैं एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। और जब वो एंड होते हैं तो उनके एंड में जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। फर्दर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो यस एंड नो क्वेश्चन पे डिवाइड होते हैं एंड WH क्वेश्चन पे डिवाइड होते हैं। तो यस और नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर सिर्फ या तो यस में मिलता है या नो में मिलता है, या तो वो हाँ होते हैं या ना होते हैं। और जो यस और नो के क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो यस और नो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, has, have, had, ये helping verb है। एंड modal verb से भी शुरू होते हैं yes or no questions जो होते हैं जैसे can, could, shall। तो ये modal verb से इनसे भी WH, इनसे भी yes or no के question start होते हैं। Next जो है वो WH question है। ये जो question start होते हैं ये WH family से होते हैं और ये interrogative sentence कहलाते हैं। इनके examples देखते हैं तब आपको और clear होगा। जैसे कि इसका example है आर यू अ टीचर, ये हेल्पिंग वर्ब है। आर यू अ टीचर ये क्वेश्चन मार्क है, पंक्चुएशन मार्क जो यूज हुआ है वो क्वेश्चन मार्क होता है। तो आर यू अ टीचर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका जो आंसर मिलेगा वो या तो यस होगा या नो होगा। आर यू अ टीचर, यस आई एम अ टीचर, और अगर टीचर नहीं है तो नो आई एम नॉट अ टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू लिव इन दिल्ली, तो डू एक ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां से स्टार्ट हुआ है। डू यू लिव इन दिल्ली, जो आंसर मिलेगा वो यस और नो में ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इज इट रेनिंग, हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग में जो पंक्चुएशन मार्क का यूज हुआ है वो क्वेश्चन मार्क है। इज इट रेनिंग, जो आंसर मिलेगा वो या तो यस होगा या नो होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसी क्वेश्चन को पूछ रहा है एंड लास्ट में जिस पंक्चुएशन मार्क का यूज हुआ है वो क्वेश्चन मार्क है। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो मोडल वर्ब का है, जैसे कि कुड यू ओपन द डोर फॉर मी। अगेन यहाँ पर भी मोडल वर्ब से, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका शुड आई कॉल यू, तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हुए ये यस एंड नो क्वेश्चन से हुए, जो जिनका आंसर या तो यस मिलता है या नो, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो जो नेक्स्ट इसके डब्ल्यू एच वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो है व्हाट इज दैट, यहाँ पर व्हाट ये डब्ल्यू एच वर्ड है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पंक्चुएशन जो यूज हुई है वो क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर डब्ल्यू एच जो वर्ड से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यस और नो में नहीं मिलेगा, उसका जो आंसर मिलेगा वो हमेशा स्टेटमेंट में मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु इज ही, हु इज ही जो आंसर मिलेगा वो एक स्टेटमेंट में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ वॉज योर डे, जो जिस पंक्चुएशन मार्क का यूज हुआ है वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसी क्वेश्चन को पूछ रहा है। हाउ वॉज योर डे, जो भी आंसर हमें मिलेगा वो एक स्टेटमेंट में होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन दो पार्ट में डिवाइड होता है वो यस और नो क्वेश्चन है एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। इसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी भी कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन को बताते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इट गिव्स अ कमांड, tells someone to do something, it may be an order, suggestion, request and advice. Imperative sentence वो sentence होते हैं जो किसी command को बताते हैं, advice को बताते हैं, एक order show करता है कि किसी को order दिया जा रहा है, या suggestion होता है, suggestion को बताता है, request बताता है। तो ये sentence imperative sentence की category में आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे इसका वॉश द डिनर प्लेट्स, यहाँ पर एक कमांड दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि वॉश द डिनर प्लेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ भी एक रिक्वेस्ट की गई है कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी दे दीजिए, एक ग्लास पानी का दे दीजिए। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जो है Never forget the person who loves you. तो यहाँ पर एक advice
एडवाइस दी गई है, एक सजेशन भी आप कह सकते हैं कि नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स यू। तो ये यहाँ पर एक सजेशन है, एक एडवाइस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी भी ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट या एडवाइस को शो करते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस ऑल्दो इनमें लास्ट में जिस पंक्चुएशन मार्क का यूज होता है वो फुल स्टॉप होती है, बट समटाइम डिपेंड करता है सेंटेंस की डिलीवरी पे कि वो सेंटेंस अगर हम कह रहे हैं तो वो किस इमोशन के साथ अगर कह रहे हैं। अगर कोई सेंटेंस हम किसी बहुत स्ट्रांग इमोशन के साथ कहते हैं तब उस इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में जिस पंक्चुएशन मार्क का यूज होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि प्लीज टीच माई किड, तो ये ऑल्दो ये लग रहा है इम्परेटिव सेंटेंस, बट अगर ये किसी स्ट्रांग इमोशन के साथ बोला जाएगा, किसी बहुत ही स्ट्रांग इमोशन के साथ बोला जाएगा कि प्लीज टीच माई किड, तब जब ये रिटन हम इसको जब लिखेंगे तब जिस पंक्चुएशन मार्क का यूज होगा वो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे है कि पैक अप योर बैग्स एंड कम विद मी, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, पैक अप योर बैग एंड कम विद मी, और ये जब एंड होगा तब जिस पंक्चुएशन मार्क का यूज होगा वो फुल स्टॉप होगी। बट यही बात अगर किसी भी स्ट्रांग इमोशन से कही जाए या एंगर में कही जाए कि पैक अप योर बैग एंड कम विद मी, तब ये सेंटेंस को जब लिखा जाएगा तब इसमें जिस पंक्चुएशन मार्क का यूज होगा वो एक्सक्लेमेशन का मार्क होगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस ऑल्दो इनके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होता है, ये किसी भी कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर को शो करते हैं, बट समटाइम इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में जिस पंक्चुएशन मार्क का यूज होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। डिपेंड करता है कि वो बात किसी इमोशन के साथ कही गई है, किस फीलिंग के साथ कही गई है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और अब इसका जो ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन, हैप्पीनेस, एंगर या फ्रस्ट्रेशन या सोरो को शो करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग अनएक्सपेक्टेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन, हैप्पीनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सोरो या जॉय को शो करते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है समटाइम दे आर प्रीसीडेड बाय इंटरजेक्शंस। तो कभी कभी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इनके स्टार्टिंग में इंटरजेक्शंस का भी यूज होता है एंड इट एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। और जब ये सेंटेंस एंड होते हैं तो इनके एंड में जिस पंक्चुएशन का यूज होता है वो एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे कि जो इसका एग्जाम्पल है वो है हाउ वेल ही सिंग्स। तो यहाँ पर एक एक्साइटमेंट है, एक हैप्पीनेस को शो कर रहा है ये सेंटेंस, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिस पंक्चुएशन का यूज हुआ है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट्स गुड न्यूज, यहाँ भी एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, उसको शो कर रहा है ये सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पंक्चुएशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई कैट हैज पास्ड अवे, तो यहाँ पर ये सेंटेंस किसी सोरो को शो कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इमोशन है, माई कैट हैज पास्ड अवे, एंड लास्ट में जिस पंक्चुएशन मार्क का यूज हुआ है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ कुड यू लूज दैट पेपर, तो ये जो सेंटेंस है ये किसी एकदम फ्रस्ट्रेशन में बोला गया है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, हाउ कुड यू लूज दैट पेपर, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और इसमें जो यहाँ पर ये पॉइंट था कि समटाइम दे आर प्रीसीडेड बाय इंटरजेक्शंस, तो कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनके स्टार्टिंग में इंटरजेक्शंस का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं उसके, जैसे कि वाओ व्हाट अ कार, यहाँ पर भी जो वाओ वर्ड है ये इंटरजेक्शन है, ये पहले आया है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिस पंक्चुएशन का यूज हुआ है वो एक्सक्लेमेशन का मार्क है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओ दिस इज नॉट गुड, तो यहाँ भी एक ये बोला गया है ओ दिस इज नॉट गुड, ये एक काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट है यहाँ पर, और जिस जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हुर्रा वी वोन द मैच, लास्ट में पंक्चुएशन मार्क
जो है वो एक्सक्लेमेशन का मार्क है, हुर्रा यहाँ पर इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का भी यूज कभी कभी होता है स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो करते हैं किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशन को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस हो सकता है, जॉय हो सकता है एंड एंगर हो सकता है। जिस पंक्चुएशन मार्क का यूज होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और इनके कभी कभी ये इनके स्टार्टिंग में इंटरजेक्शन का भी यूज होता है। एग्जाम्पल्स आपने देखे, लास्ट का जो हमारा सेंटेंस का टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी विश, प्रे या किसी कर्स को शो करते हैं। तो ऑपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द सेंटेंसेस यूज्ड टू मेक अ विश और कर्स समवन। ऑपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे शो होता है किसी को या तो हम विश कर रहे हैं या कर्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और जो ऑपरेटिव सेंटेंस जो एंड होते हैं तो जिस पंक्चुएशन मार्क का यूज होता है वो फुल स्टॉप होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू। और जनरली जो ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ड मे और विश के साथ स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी है मे गॉड ब्लेस यू। एंड जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका ये है कि विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यहाँ भी किसी को विश करा जा रहा है, किसी को प्रे कर रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस है ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। इसमें अगर किसी को कर्स करने की बात आती है तो जो सेंटेंस है वो, अगर किसी को कर्स करा है तो ऐसे बोलेंगे गो टू हेल, तो ये किसी को कर्स कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस जो किसी को विश या कर्स करते हैं वो सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स आपने देखे अभी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सेंटेंस को समझा, सेंटेंस को जाना कि सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस के टाइप में हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑपरेटिव सेंटेंस को भी डिस्कस करा था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।